best back cover and best back cases फॉर इन्फिनिक्स नोट 30 5G। तो गैस मेरे हाथ में है यहाँ पर इन्फिनिक्स की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुआ इन्फिनिक्स नोट 30 5G वाला स्मार्टफोन, और मैंने मेरे इस इन्फिनिक्स नोट 30 5G वाले स्मार्टफोन के लिए टोटल कुछ 10 से 15 यानी कि ऑलमोस्ट 15 बेस्ट बैक कवर और बेस्ट बैक केसेस परचेज किए, जो सिर्फ और सिर्फ इस इन्फिनिक्स के नोट 30 5G वाले स्मार्टफोन के लिए। ये जितने भी सारे आपको बैक कवर्स दिख रहे हैं उसके अलावा ये और दो बैक कवर्स हैं, ये सारे के सारे बैक कवर्स इस इन्फिनिक्स नोट 30 5G वाले स्मार्टफोन के लिए। अब सर वन बाय वन इन सारे बैक कवर्स को हम ओपन करेंगे और इस पर अप्लाई करेंगे और देखते हैं यहाँ पर कौन सा बैक कवर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पड़ता है। इनमें से अगर आपको कोई भी बैक कवर परचेस करने तो सबके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर आप इन सारे बैक कवर्स को परचेस भी कर सकते हो। तो सबसे पहला यहाँ पर है ये बैक कवर जो कि है इन्फिनिक्स का सबसे प्रोडक्शन वाला बैक कवर। तो यहाँ पर हम इस पर भी ओपन करते हैं। तो ये जो बैक कवर है प्योरली एक मटेरियल वाला यानी कि अच्छे क्वालिटी वाला बैक कवर है, जहाँ पे आपको अच्छे क्वालिटी का लेदर वाला इफेक्ट देखने को मिलता है। इसे हम अप्लाई करते हैं इस इन्फिनिक्स नोट 30 5G पर। तो अप्लाई करने के बाद ये जो स्मार्टफोन है गाइस, इसका लुक आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको बाहर भी प्रोटेक्शन मिल जा रहा है और अंदर की तरफ भी आपको ब्लैक लगा कवर देखने को मिलता है, और यहाँ पे आप जैसे इसे बंद करो तो आपको जो स्मार्टफोन का लुक है वो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, यहाँ पर आपको अच्छे लेवल का प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी करता है इसे। आई लाइक दिस बैक कवर वेरी वेरी मच, इट्स नॉट बैड दैट मच। सो अब अप्लाई करते हैं यहाँ पे सेकंड वाला बैक कवर, जो कि सेकंड और थर्ड बैक कवर है इन्फिनिक्स नोट 30 5G के लिए। जितने भी सारे बैक कवर बता रहा हूँ सबको सबकी जो क्वालिटीज है वो आपको ऑलमोस्ट सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे भी स्मार्टफोन पूरी तरीके से न्यू है इसलिए इजीली इस पर अप्लाई नहीं हो रहा। इसी कैसे बैक कवर को अप्लाई करते तो स्मार्टफोन का लुक आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर राइट साइड से आपको ऐसा देखने को मिलता है, पावर बटन, वॉल्यूम बटन, स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके का गैप देखने को मिलेगा, एंड देन उसके बाद यहाँ से बैक साइड से नॉट बैड। उसके बाद जैसे आप इसे ओपन करो तो फ्रंट साइड से इसका लुक आपको ऐसा देखने को मिलता है, जो कि एक तरीके से अट्रैक्ट करता है। तो ये सिंपल सा सिलिकॉन बैक केस। सो नाउ ये है थर्ड वाला बैक कवर इन्फिनिक्स नोट 30 5G के लिए। तो ये है एक स्माइली इमोजी वाला बैक कवर जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है जब हम इस टाइप के बैक कवर यूज़ करते हैं। जैसे आप इस बैक कवर को यहाँ पे अप्लाई करते हो तो बैक कवर का लुक आपको ऐसा दिखने मिलता है, प्रॉपर तरीके से आपको कैमरा का प्रोडक्शन मिलता है। ये है राइट साइड का लुक, उसके बाद ये डाउन साइड का लुक, एंड देन उसके बाद ये लेफ्ट साइड, एंड देन ऊपर की तरफ, यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ। जब सामने से आप इसको ओपन करोगे तो इसका लुक आपको ऐसा दिखने मिलेगा। ओवरऑल इट्स नॉट बैड। तो ये है हमारे फोर्थ एंड फिफ्थ बैक कवर, इसे भी ओपन करते हैं। इसे जब आप ओपन करते हो ये रहा हमारा फिफ्थ बैक कवर जो कि स्पेशली फीमेल्स के लिए। जैसे आप इस बैक कवर को अप्लाई करते हो तो बैक कवर का लुक आपको ऐसा दिखने मिलता है, प्रॉपर तरीके से ये भी काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाद डाउन साइड से लुक, लेफ्ट साइड क्वालिटी आपको सारे बैकवर्ड्स का आपको ऑलमोस्ट सिमिलर देखने मिलेगा। अभी फिलहाल ये स्मार्टफोन न्यू है इसलिए आपको इसमें ज़्यादा बैकवर्ड्स देखने को नहीं मिलेंगे। सो ये है नेक्स्ट फिफ्थ बैक कवर। सो यू कैन सी त्रिशूल वाला बैक कवर है, इसे भी अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद इसका लुक गाइस आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो प्रॉपर तरीके से ये भी कैमरा को कवर अप दे रहा है यहाँ से। ये इसका राइट साइड का पोर्शन है, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन के लिए। ये स्पीकर का पोर्शन है, ये इसका फ्रंट साइड, एंड देन उसके बाद अगर आप इसको लेफ्ट साइड से देखो तो आपको ऐसे पोजिशन में देखने मिलेगा। ओवरऑल इट्स गुड। तो ये हमारे सिक्स्थ और सेवन्थ बैक कवर, इसे भी ओपन करते हैं। सो ये है आर्मी इफेक्ट वाला बैक कवर, और इस टाइप के जो बैक कवर गाइस स्पेशली जो बॉयज़ होते हैं उनके हाथों में काफ़ी अच्छा लगता है। अप्लाई करने के बाद इसका लुक गाइस आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके का आपको आर्मी का अच्छा खासा टेक्सचर देखने को मिलता है। ये राइट साइड का पोर्शन है, यू कैन सी वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन के लिए, पावर बटन के लिए आप प्रॉपर ऑप्शन दिया गया है। ये है ऊपर की साइड में, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, एंड देन उसके बाद इसका लेफ्ट साइड। फ्रंट से अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे इफेक्ट के साथ में बैक कवर आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल ये भी अट्रैक्ट कर रहा है। सो नाउ ये हमारा सेवेंथ बैक कवर फॉर इन्फिनिक्स नोट 30 5G के लिए। इसे जब आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको ये प्रॉपर तरीके का इसका ये भी काफ़ी न्यू टाइप का है। तो अब यहाँ पर अप्लाई करने के बाद जो इसका लुक है गाइस आपको ऐसा दिखने को मिलेगा। ओवरऑल ये इसका राइट साइड का पोर्शन है, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन के लिए यहाँ पे प्रॉपर ऑप्शन दिया गया है। स्पीकर्स, चार्जिंग पोर्ट्स के लिए भी प्रॉपर गैप्स यहाँ पे दिया गया है ऊपर के स्पीकर्स के लिए, और यहाँ पे फ्रंट साइड से इसका लुक। ओवरऑल इट्स कम्प्लीटली गुड। सो नाउ द नेक्स्ट बैक कवर फॉर इन्फिनिक्स नोट 30 5G के लिए। तो ये है गाइस हमारा एरोप्लेन वाला मोड यानी कि एरोप्लेन मोड, इसे अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के बाद इसका लुक गाइस आपको ऐसा देखने को मिलता है प्रॉपर तरीके से, ये भी काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है। ब्लैक एंड पिंक एंड ब्लू कलर आपको यहाँ पर टेक्सचर देखने को मिलता है कलरिंग इफेक्ट के साथ में। राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन के लिए ऑप्शन, स्पीकर्स, चार्जिंग पोर्ट, हेडफोन जैक्स के लिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके का गैप्स दिया गया। ओवरऑल ये भी काफ़ी अट्रैक्ट करा गाइस, अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करो तो इट्स नॉट बैड दैट मच। ये हमारा नेक्स्ट बैक कवर।
तो ये गाइस एक तरीके का ट्रांसपेरेंट इफेक्ट बैक कवर है, जो कि अब तक मैंने आपको जितने भी बैक कवर्स बताए सबके कंपैरिजन में ये बैक कवर पूरी तरीके से डिफरेंट है। तो इसे भी अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के बाद इसका लुक गाइस आपको ऐसा देखने को मिलेगा, राइट साइड से पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है और यहाँ पे एकदम डिसेंट सा लुक लग रहा है। यहाँ पे राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन के ऑप्शन है, स्पीकर्स, चार्जिंग पोर्ट, हेडफोन जैक के लिए प्रॉपर तरीके का ऑप्शन और गैप्स यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ से अगर आप देखोगे ये इसका फ्रंट साइड है, दैट्स इट। उसके बाद बैक साइड से ऊपर की तरफ स्पीकर्स। सो ये है हमारे नेक्स्ट बैक कवर्स, इसे भी ओपन करते हैं। सो यू कैन सी ये भी है, अब तक जितने भी सारे बैक कवर्स के मैंने आपको डिज़ाइन बताया वो सब के कंपैरिजन में इसका डिज़ाइन अलग है। इसी पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद इसका लुक आपको ऐसा देखने को मिलेगा, राइट साइड में यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन के लिए प्रॉपर ऑप्शन दिया गया है, स्पीकर्स, चार्जिंग पोर्ट के लिए, हेडफोन जैक के लिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके का गैप्स दिया गया। यह है लेफ्ट साइड का पोर्शन और बैक साइड से, एंड देन फ्रंट साइड से इसका आपको ऐसा इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो बार ये है नेक्स्ट बैक कवर की। तो ये भी है गाइस एक तरीके से ट्रांसपेरेंट इफेक्ट बैक कवर, इसे भी ओपन करते हैं एंड अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद गाइस इसका लुक आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिया गया ये ट्रांसपेरेंट इफेक्ट। पहली बात तो ये ट्रांसपेरेंट बैक कवर है और ऊपर से इस पर जो टेक्स्ट किया गया वो भी अट्रैक्ट कर रहा है, डिसेंट लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा ये। और यहाँ पर बैक साइड में कैमरा को इसने प्रॉपर तरीके से कवर किया है, ऊपर स्पीकर के लिए ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल इट्स गुड एज वेल, फ्रंट साइड से आपको ऐसा इफेक्ट देखने को मिलता है। सो नाउ ये है नेक्स्ट बैक कवर फॉर इन्फिनिक्स नोट 35G के लिए। तो ये जो बैक कवर है गाइस ये मेरा अब तक का सबसे फेवरेट वाला बैक कवर है, जिसमें आपको इस तरीके का इफेक्ट देखने को मिलता है। ट्रस्ट मी एकदम डिसेंट लगता है, एकदम सिंपल प्लेन कैसे है, खाली इसके ऊपर आपको इस तरह का टेक्स्चर देखने को मिलता है जो इसे अट्रैक्ट भी करता है। तो अप्लाई करने के बाद गाइस इसका लुक आपको ऐसा देखने को मिलता है, राइट साइड से वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन के लिए प्रॉपर ऑप्शन दिया गया, स्पीकर्स, चार्जिंग पोर्ट्स के लिए, हेडफोन जैक्स के लिए भी ऑप्शन दिया गया, एंड देन उसके बाद इसका लेफ्ट साइड का पोर्शन बैक साइड से आपको ये ऐसा देखने को मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पे फ्रंट साइड से ये आपको ऐसे इफेक्ट देखने को मिलेगा। देन इसके बैक साइड का पोर्शन। सो बारी है यहाँ पर नेक्स्ट बैक कवर को ओपन करने की। सो अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं इस वाले बैक कवर को। तो इसे जैसे आप अप्लाई करते हो इसका लुक आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो कैमरा को भी इसने अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन एंड कवर अप दिया है, राइट साइड में यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन के ऑप्शन है, स्पीकर्स, चार्जिंग पोर्ट्स के लिए भी प्रॉपर गैप्स दिए गए स्पीकर्स के लिए, और यहाँ पर भी ऊपर में कैमरा को इसने अच्छे तरीके से कवर अप किया। यह है इसका लेफ्ट साइड का पोर्शन। सो ओवरऑल ये भी अट्रैक्ट कर रहा है। सो बारी है यहाँ पर सेकेंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट बैक कवर को ओपन करने की। तो ये है हमारा ग्लॉसी इफेक्ट, यानी कि ये जो बैक कवर है गाइस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, स्पेशली ये फीमेल्स के लिए, बॉयज़ कोई भी से परचेस करना मत, सिर्फ फीमेल्स के हाथों में बैक कवर अच्छा लगेगा। सो जैसे आप इसे अप्लाई करते हो इसका लुक आपको ऐसा देखने को मिलता है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे गैप्स दिए गए हैं ओवरऑल, एंड यहाँ पर राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन के ऑप्शन है, स्पीकर्स, चार्जिंग पोर्ट, हेडफोन जैक्स के लिए भी प्रॉपर तरीके का कवर अप दिया गया है। सो ओवरऑल गाइस इसे भी आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने स्मार्टफोन के लिए, अपने ओवरऑल नॉट बैड। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट साइड में आप देखो, एंड देन उसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ पे टेक्सचर, एंड देन राउंड साइड में यहाँ पर टेक्सचर है। सो गाइस फाइनली ये है हमारा लास्ट एंड फाइनल बैक केस फॉर इन्फिनिक्स नोट 35G के लिए। तो इसके पहले जो मैंने आपको बैक कवर बताया था सबसे पहले वाला, वो अलग फ्लिप कवर है और ये अलग टाइप का फ्लिप कवर है। उसमें आपको डिज़ाइन थोड़ा अलग देखने मिलेगा और इस वाले फ्लिप कवर में आपको डिज़ाइन अलग देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बाहर की तरफ में प्रोडक्शन देखने मिलता है, यहाँ पर आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को कैरी कर सकते हो, यहाँ पर आप अपने कैश को कैरी कर सकते हो, अंदर की तरफ प्रोडक्शन मिल जाता है और यहाँ पर आपको कैमरा प्रोडक्शन का बम्पर इफेक्ट भी दिया गया है। तो जैसे आप यहाँ पे कवर को अप्लाई करते हो तो इसका लुक आपको ऐसे देखने मिलता है, पूरी तरीके से कवर्ड है और यहाँ पे आप जैसे इसको पैक करते हो तो ये हुक के साथ में यहाँ पे आता है। तो कवर करने के बाद इसका लुक आपको ऐसे पोजीशन में देखने को मिलता है। पहली बात हाथ में कैरी करने के लिए काफ़ी अट्रैक्ट करता है, लेदर का टेक्सचर यहाँ पे दिया गया, पूरी तरीके से लेदर नहीं है। यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट, हेडफोन जैक के लिए प्रॉपर ऑप्शन देखने को मिलता है, बैक कवर्स यानी कि कैमरा प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे प्रॉपर दिखाया है, यहाँ पे स्पीकर के लिए भी ऑप्शन है, चार्जिंग पोर्ट्स के लिए भी प्रॉपर तरीके का गैप्स यहाँ पे दिया गया। ओवरऑल इट्स कंप्लीटली अट्रैक्टिव, यू कैन सी राइट है। ओपन करने के बाद इसका लुक आपको ऐसे देखने मिलता है, यहाँ पर आप अपने कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को कैरी करके इसके अंदर आप इजीली रख सकते हो। तो गाइस ये मैंने आपको जितने भी सारे बैक कवर्स बताए हैं, इनमें से अगर आपको कोई भी बैक कवर्स अगर आपको परचेस करना है तो सारे बैक कवर्स के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप इन सारे बैक कवर्स को वन बाय वन परचेस कर सकते हो। और यहाँ पर कौन सा बैक कवर्स आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, कौन सा बैक कवर आपको थोड़ा वीक लगा, थोड़ा कमेंट में आप जरूर बताना, जैसे कि एक यूजर्स को एक दूसरे को हेल्प मिले। तो यहाँ पे साथ ही साथ गाइस मैंने इस इन्फिनिक्स नोट 35G के लिए मेरे बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर किया। अगर आप स्मार्टफोन के रिलेटेड मैंने अनबॉक्सिंग, रिव्यू, कंपैरिजन, स्पीड टेस्ट,
बैकवर्ड्स के आज टॉपिक कवर कर लिया, साथ ही साथ मैंने स्मार्टफोन को लेकर बैटरी ड्रेन टेस्ट के टॉपिक मैंने बहुत ज़्यादा कवर किया, जिससे आप वीडियो लिस्ट में जाकर ईजिली चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको स्मार्टफोन परचेस करना है गाइस, ये मेरे पास जो वेरियंट है ये 4GB रैम एंड 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट है, जो आपको ईजिली फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल मिल जाएगा। यहाँ पर इसका दो वेरियंट्स में अवेलेबल है, 4GB रैम एंड 8GB रैम। तो मेरे पास जो वेरियंट है गाइस, ये 4GB रैम वाला वेरियंट है, जिसमें 45W का चार्जर आता है। और यह स्मार्टफोन को मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है ₹15 यानी कि ₹15,000 में मैंने स्मार्टफोन को परचेस किया, बॉक्स के बैक साइड में ही। इसके पूरे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, 5000 mAh की बैटरी, 45W का चार्जर आता है, 6.78 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, मीडियाटेक का प्रोसेसर आता है इसमें, डायमेंसिटी 6080, 108 MP का ट्रिपल कैमरा, 4GB रैम आता है, 4GB का वर्चुअल रैम आता है, और ये डुअल साउंड स्पीकर के साथ में आता है, जेबल का सपोर्ट है, और ये डुअल 5G बैंड्स के साथ में आता है। कमेंट में जरूर बताना स्मार्टफोन आपको कैसा लगा।